साहिल भाई साहब की बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम, मोबाइल हैंग हो रहा है, वीडियो नहीं बन पा रही है। रोड जो जा रहा है सीधा बम्बई, टाइम हो रहा है 11:25 और शिरडी यहाँ से 8 घंटे 2 मिनट दूर है। मेरी शकल से अंदाजा लग रहा होगा कि स्थिति क्या है। एक्चुअली 3 बजे जाना था और अभी बज चुके हैं 1:35। रात भर नींद नहीं आई, पूरी रात करवट बदलते बदलते निकल गई है, लेकिन क्या करें। और होता है जब कहीं बाहर जाते हैं तो उससे पहले यही नाटक होता है। तो चलिए ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले एक बार छोटा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। गुड मॉर्निंग, हेलो, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, सभी छोटे बड़ों का तहे दिल से राम राम। बड़ों का आशीर्वाद और छोटों का प्यार सदा मेरे ऊपर बना रहे, इसी कामना के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। पैकिंग हो चुकी है कंप्लीट और बस यहां से निकलने की तैयारी। और राइड शुरू होने से पहले हो गई है हमसे एक छोटी सी भूल, और पता नहीं अब पूरी ट्रिप में क्या क्या भूलेंगे हम। मैंने एक एयर शीट मंगा रखी थी, उसको कहते हैं बम पार्टनर, आप उसको लगा के आराम से उस पर बैठ के जाइए। तो एक्चुअली जो बम है ना, सबसे पहले प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होती है, वो रीढ़ की हड्डी तक आती है और दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। तो उसकी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया था, तो अभी मैं उसको लेके आता हूँ, दुकान पर रह गई है मेरे। तो लो जी, ये ले आए हैं हम शीट इतनी मॉर्निंग में, इतने टाइम पर, सुबह 2 बजे अनबॉक्सिंग हो रही है। तो ये है वो बम पार्टनर और मैं आपको भी दिखा देता हूँ एक्चुअली इसमें क्या है। ये है वो सीट, और इस सीट के अंदर का एक तो ये आता है पंप, इसमें बबल्स होते हैं एयर के, उनको फुलाने के लिए, और इसमें ये बबल्स हैं, इसमें एयर भर जाती है। अर्ली इन द मॉर्निंग अनबॉक्सिंग है। तो चलिए अब मैं यहाँ से निकलता हूँ, सारा मैंने सामान वामान सारा पैक कर दिया पैनियर में, पैनियर्स को बाइक पे लोड करते हैं, नहा धो के फिर मैं मिलता हूँ आपको सीधा बाइक पे। चोर आ गए सुबह सुबह, चोर आ गए। मेरे घर पर अभी सारे आ चुके हैं, और हमारा साहिल भाई, हेलो जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन, और ये हमारे हरिंदर भाई साहब, हेलो, गुड मॉर्निंग, और हमारे युधिष्ठिर भाई साहब पीछे लग रहे हैं अपने ताम झामों को सेट करने। तो ये हमारे हरिंदर भाई साहब की बाइक देख लो, सारी हिमालयन है आज, सबसे अच्छी बात ये है सारी हिमालयन है फुली लोडेड। ये हमारी लाडू, ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब, गुड मॉर्निंग, ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक, और पीछे हमारे साहिल भाई साहब की बाइक। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, लाइट हो जाएगी, थोड़ा सा रोशनी आ जाएगी, फिर मिलता हूँ। तो राइड हो चुकी है स्टार्ट, और आज का डेस्टिनेशन है हमारा शिरडी। तो करीब अप्रॉक्स 1054 किलोमीटर की ये राइड रहेगी, बाकी अंधेरा है और टाइम हो रहा है अभी 3:32, थोड़ा सा करीब पौने घंटा हम लेट हो चुके, 45 मिनट्स लेट हैं हम, कोई बात नहीं है। और यूपी से अभी पेट्रोल वगैरह फिल करवाएंगे, और वहाँ पर कहीं थोड़ा सा ऊपर नीचे हो रहे होंगे, हम सेटिंग पॉइस्चर वगैरह सही करेंगे और वहाँ से फिर आराम से राइड चलेगी। और हम भरतपुर की सीमा से बाहर आ चुके हैं, यहाँ से यूपी चालू हो जाता है और पेट्रोल 10 रुपये सस्ता। अब यहीं कहीं पेट्रोल पंप आएगा, जैसे रिलायंस के पेट्रोल पंप से भरवाने का मूड है, बाकी का साहिल आगे चल रहा है, डिसाइड करेंगे कहाँ से भरवाना है। साहिल भाई साहब की बाइक में छोटी सी प्रॉब्लम, क्लच थोड़ी सी ढीली हो गई है, लेकिन कोई इशू नहीं है। न्यूट्रल ना है साहिल, ग्वालियर कराएंगे। वैसे दफ्तर काम तो कर रही है, न्यूट्रल ही तो ना है रही, न्यूट्रल ना है रही, बस बस आता तो कोई दिक्कत। चलो, हमारे साहिल की बाइक की क्लच में थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन कोई इशू नहीं, अब ग्वालियर में जाके सही करवा लेंगे। तो भाइयों, थोड़ी सी हो गई गड़बड़, और एक्चुअली हमारा मोबाइल पता नहीं किस तरीके से हैंग हो रहा है, वीडियो नहीं बन पा रही है। तो हमने कर दिया गोप्रो स्टार्ट, और यहाँ पे अनमोल किराना टी स्टॉल एंड नाश्ता सेंटर पे हमने एक टी ब्रेक ले लिया है, और अभी यहाँ से 916 किलोमीटर दूर है शिरडी। तो ये छोटे से ब्रेक को लेने के बाद, 2 कुल्हड़ चाय पीने के बाद हम निकल रहे हैं, ऑल सेट। तो ग्वालियर से हम विदाई लेते हुए, और अब थोड़ा सा दिन निकल आया है, तो थोड़ी सी सीनरी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगी। रोड बहुत शानदार आ चुका है, और सूर्य देवता परवान चढ़ने वाले हैं, और बहुत ही खूबसूरत सनराइज़ होने वाला है, वो भी देख लेना आप, ग्वालियर का सनराइज़। और टाइम हो रहा है अभी 7:15, और अभी ग्वालियर को हम सी ऑफ कर रहे हैं।
और अभी करीब 16 घंटे का सफ़र हमारा बाकी है, और अभी 902 किलोमीटर हमें जाना है शिरडी यहाँ से 902 किलोमीटर, और ये शिवपुरी बाईपास है ग्वालियर का। तो एक्चुअली हमने थोड़ा सा एक ब्रेक लिया है क्योंकि मेरे को गोप्रो की 2 बैटरी मेरी खाली हो चुकी थी, और अरे भाई यार चढ़ना इस पर एक बहुत बड़ा टास्क है, और अपनी गाड़ी के चार्जर से उसको कनेक्ट करके गोप्रो का चार्ज लगा दिया है, चार्जर को लगा दिया है गोप्रो को, और बैटरी हो रही है चार्ज। ब्लॉगर 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 की लाइफ में बस यही सिस्टम है, ये चार्ज करो वो चार्ज करो। घाटी गांव यहाँ से 9 किलोमीटर, और बहुत ही शानदार रोड है ये एक्चुअल में नंबर एक, और बहुत ही चारों तरफ ग्रीनिश ग्रीनिश सरसों की खेती भी हो रही है, पहाड़ भी है, देखो क्या बात है, फ्लैट पहाड़ है मज़ेदार। जगह है घाटी गांव, और घाटी गांव को हम क्रॉस कर रहे हैं 8:06 पे, और घाटी गांव से शिरडी है 878 किलोमीटर, अप्रॉक्स 16.5 घंटे का रन अभी बाकी है, और शानदार रोड है बिल्कुल नंबर एक मलाई रोड है, कोई गड्ढा वड्ढा कुछ नहीं, कोई ब्रेकर नहीं, बहुत ही ब्यूटीफुल रोड, और चारों तरफ पहाड़ी है, छोटी छोटी पहाड़ी है और ग्रीनिश एरिया है, बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा, क्या बात है। अच्छा सबसे बढ़िया बात यह है एक्चुअली टाइम हो सकता है अभी जल्दी हो, 8:06 हो रहे हैं, लेकिन अभी तक ट्रैफिक इतना नहीं मिल रहा है इस रोड पे, और हम अभी नॉर्मली 90-100 की स्पीड पर चल रहे हैं, तो खाली रोड है, देखिए अब मेरे आप सामने देख रहे होंगे बिल्कुल खाली रोड है, एक साइड में सिर्फ ट्रक वगैरह चल रहे हैं, और एक ट्रक महोदय बीच रोड पर पलट गए हैं, क्या बात है, इनको यही नींद आ गई है और ये यहीं सो गए हैं। नहीं 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 ये बिल्कुल रोड क्रॉस करके गए हैं, हो सकता है रात को नींद आ गई होगी भाई साहब को, कोई बात नहीं, लगा के साइड में सो जाना चाहिए था, नहीं माने तो कोई बात नहीं, अब आराम से सो। गाय आ रही है, और ट्रक भाई साहब भी थोड़ा सा अपनी लाइन चेंज करने के मूड में आ चुके थे, लेकिन इनको लगा कि पीछे से एक भाई साहब आ रहे हैं, तो इन्होंने अपनी साइड को दोबारा दबा लिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हम शिरडी से दूर हैं 824 किलोमीटर, तो हम बीच में कहीं रुक गए हैं, और अभी कोशिश करेंगे यहाँ पर ड्रोन शॉट लेने की। तो ये हमारे युधिष्ठिर भाई साहब हमारे साथ हैं, और ये हमारी लाडो, ये हमारी लाडो, शानदार परफॉर्मेंस। सबसे बड़ी बात यह है कि हम सभी ने चारों हिमालयन ने टंकी फुल करवाई थी, चारों हिमालयन ने भरतपुर में, और जिसमें हमारी 2 BS4 है 2 BS6 है। युधिष्ठिर भाई साहब की रिजर्व में आ चुकी है, साहिल की रिजर्व में लग चुकी है, और अभी हरिंदर भाई साहब थोड़ा सा रह रहे हैं, अभी उनकी रिजर्व में नहीं लगी है, बाकी हमारी अभी रिजर्व में नहीं आई है, रिजर्व से भी 1 पॉइंट ऊपर, हाफ से 1 पॉइंट ऊपर है, क्या बात है, ऑसम परफॉर्मेंस, ऑसम ऑसम ऑसम। तो ये है बात, और एक बार आपको दिखाता हूँ बाइक कैसी लग रही है, ये अपनी लाड़ो, और ये युधिष्ठिर भाई साहब की बाइक जिसको साहिल थोड़ा सा देख रहा है क्लच वगैरह सेट करने की कोशिश, ये साहिल की बाइक, ये हमारे हरिंदर भाई साहब की बाइक, बहुत बढ़िया, लक्ष्मी है इसका नाम, और इसका नाम मजनू, कभी तो ये मजनू रख देता है, कभी लैला रख देता है, इसका कोई नाम फिक्स नहीं है, बाकी परफॉर्मेंस सभी बाइक्स की बहुत शानदार है, अच्छी लग रही है। एक बार फिर फुल्ली लोडेड माई रॉयल इनफील्ड हिमालयन, आई कॉल्ड हर लाडो, क्या बात है क्या बात है, अब की बार तो मैंने नाम भी लिखवा दिया इस पे लाडो, ये देखो अब की बार मैंने नाम भी लिखवा दिया इस पे लाडो।
चलिए तो अब यहाँ पर कुछ ड्रोन शॉट मैं डाल रहा हूँ, आप उन ड्रोन शॉट का आनंद लीजिए, फिर हम यहाँ से निकलते हैं। और आई होप कि आपको ड्रोन शॉट पसंद आएंगे। और ड्रोन शॉट अगर पसंद आ रहे हो तो आपको करना क्या है, वीडियोस को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, अपना प्यार बना के रखना है। मेरे को आपका प्यार और दुआ आशीर्वाद चाहिए, उसको आप बना के रखिए। हम दिन दूनी रात चौनी करें, खुद भी देखें जगह, नई नई जगह, और आपको भी दिखाएं। तो चलिए आप ड्रोन शॉट देखिए, हम यहाँ से निकलते हैं।